सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। साडे चैनल लर्नर्स पैराडाइज फाजिलका ते तुहाडा स्वागत करदे आ। अज आपां पढ़ांगे जी स्टैटिक जीके दा पार्ट। नैशनल पार्कस बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, पेपरां दे विच बहुत क्वेश्चन पुछे जांदे ने। पर अपनी वीडियो स्टार्ट करन तों पहलां तुहाडे नाल इक इनफॉर्मेशन शेयर करनी सी कि आने वाली 5 फरवरी 2024 नूं साडा फाजिलका दे विच ऑफलाइन बैच शुरू होण लग्गिआ जी। इंट्रस्टड सानूं कॉन्टैक्ट कर सकदे ने। दूसरी इनफॉर्मेशन ये कि रितविक सर कल तो साडे यूट्यूब चैनल पर क्वांट का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस सारा कवर कराउणगे विद प्रैक्टिस। ठीक है जी, 10-12 वीडियोस होणगीआं, हो सकदा 15 भी हो जाण वीडियो, घंटे घंटे की वीडियो, जो भी टाइम होगा तुहाडे नाल डिस्कस हो जाऊगा टाइम वगैरह, तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस यूट्यूब पर करवाया जाऊगा। साडे चैनल दे नाल जुड़ के रहो। ठीक है जी, तो हुण आपां स्टार्ट करदे हां नैशनल पार्क। पहला क्वेश्चन है जी कि नैशनल पार्क की हुंदा है। एक एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट, सुनो ध्यान नाल सारे। एक्ट कि जी वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट, बहुत इंपोर्टेंट एक्ट है जी। पेपर च पहली गल तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि यह एक्ट कदों पास होया सी। यह इंडिया दे विच वाइल्ड लाइफ नूं, वाइल्ड लाइफ का मतलब अपने सारे जीव जंतुओं नूं, उन्हां सारिआं नूं प्रोटेक्ट करने वास्ते एक अंबरेला एक्ट बनाया गया, जिसनों आपां की कहने वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट 1972 कहा जाता है जी। इस दे तहत जिन्हें जंगल ने इंडिया जिन्हां नूं प्रोटैक्ट करन दी लोड़ है उन्होंने 5 पार्ट्स विच बंड दिता गया। सब तो पहला जी नैशनल पार्क, सब तो पहला नैशनल पार्क। दूसरे जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पहले नैशनल पार्क, दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरे कम्युनिटी रिजर्व्स, अगले कम्युनिटी रिजर्व्स हो गए, कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व्स, उस तो अगले टाइगर रिजर्व्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट के तहत जिन्हें जंगल जिन्होंने प्रोटैक्शन की जरूरत है, जिथे अलग तरह के कोई खास किस्म का अपने जीव जंतु रेंदे ने, वाइल्ड लाइफ रेंदी है, उन्हां दी प्रोटैक्शन वास्ते एक्ट बनाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट। फिर जंगलों नूं 5 कैटेगराइज, 5 तरह दीआं कैटेगरीज विच डिवाइड कर दिता गया। पहला नैशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजरवेशन ऑफ रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स। अज आपां देखांगे नैशनल पार्क। मोटा मोटी जिहड़ी मेन गल है ये की ने, जदों किसी जंगल दे विच उहदी प्रोटैक्शन लई ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिट कर दिती जाती है, रोक दिती जाती है, उहनूं आपां की कहने जी, उहनूं अलग अलग कैटागराइज। नैशनल पार्क जिथे बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है जी, ना तुसीं शिकार कर सकते हो, ना तुसीं जंगल कट सकते हो उवें। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिथे थोड़ी जी रिस्ट्रिक्शन घट ने एज कंपेयर टू नैशनल पार्क, एवं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है पंजां दे विच। टाइगर रिजर्व स्पैशल टाइगर की प्रोटैक्शन वास्ते, ठीक है जी। तो पर अज अपना टॉपिक ही है नैशनल पार्क। नैशनल पार्क पेपर के बहुत आते हैं, हर पेपर के एक या दो क्वेश्चन देखने मिली जाते हैं। सब तो पहला पॉइंट कि नैशनल पार्क है किन्ने ने जी, टोटल किन्ने ने, 106 नैशनल पार्क ने। आपां गल कर रहे हैं 2024 जनवरी की, किन्ने नैशनल पार्क ने जी, 106 नैशनल पार्क ने। आपां 106 दे 106 याद करने हैं, अपनी वीडियो का मतलब है जिहड़ा कि तुहानू 106 दे 106 असीं याद करावांगे ऑनलाइन विद ट्रिक्स, करावांगे आसानी नाल याद करवावांगे। सब तो पहला फैक्ट की कीता है कि आपां नैशनल पार्क किन्ने ने जी, 106 नैशनल पार्क ने। फिर दूसरा फैक्ट जो पूछा जाता है, पहला नैशनल पार्क, फर्स्ट पहला नैशनल पार्क किहड़ा सीगा जी, हैले नैशनल पार्क सीगा। किहड़ा? हैले नैशनल पार्क 1936, जिसका नाम बाद की कर दिता गया, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क कर दिता गया जी। की कर दिता गया? जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, जिसका नाम बाद विच कर दिता गया। तो पहला फैक्ट किया, टोटल 106 नैशनल पार्क ने। पहला नैशनल पार्क हैले नैशनल पार्क किहड़ी स्टेट च, यूके उत्तराखंड, जिहदा पुराना नाम की सी, उत्तरांचल सीगा। किहदे विचों बनी सी जी, यह 2000 दे विच यूपी स्टेट दे विच उत्तरांचल बनी सी, फिर नाम की कर दिता गया सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक नैशनल पार्क किया है हैले नैशनल पार्क, नवा नाम जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क। फिर आप करने हैं जी लार्जेस्ट नैशनल पार्क, कि लार्जेस्ट नैशनल पार्क ऑफ इंडिया केड़ा है जी, केड़ा है? हैमिस नैशनल पार्क। हैमिस नैशनल पार्क कित्थे है? जम्मू एंड कश्मीर च है जी। कित्थे है हैमिस नैशनल पार्क? कित्थे? जम्मू एंड कश्मीर। सब तो लार्जेस्ट याद रखना सौखा है, जिवें आपां गल करिए धरती नूं दो हिस्सें च बंड दिता जाए, एक उपरला हैमीस्फीयर, एक नीचरला हैमीस्फीयर। हैमीस्फीयर जे आपां गल करिए
इंडिया के कंटेक्सट एक हैमीस्फीयर बहुत बड़ा होगा उमें याद रखा जा सकता है हैमिस नैशनल पार्क लार्जस्ट नैशनल पार्क ऑफ इंडिया जी कितने जम्मू कश्मीर स्टेट के पर जे आप यूटी की गल करिए कि है जी लद्दाख दे विच है जम्मू कश्मीर पहला स्टेट सी कई किताबों के हले भी जम्मू कश्मीर है प्रेजेंट कंडीशन की है लद्दाख है अपना सबनों पता है कि 2019 दे विच जम्मू कश्मीर नू बाइफरकेट करके दो हिस्सों बन दिता गया सी एक लद्दाख ते दूसरा जी जम्मू कश्मीर ठीक है तो हैमीज़ कित्थे है जी लद्दाख दे विच है होर आपां कीता फर्स्ट नैशनल पार्क हैले नैशनल पार्क कित्थे जिम कॉर्बेट दे विच दूसरा आपां कीता लार्जेस्ट नैशनल पार्क कीता जी हैमीज़ नैशनल पार्क जे कोई नैशनल पार्क लार्जेस्ट है तो इहदा की मतलब है कोई छोटा भी होगा समॉलेस्ट नैशनल पार्क जे आपां गल करिए जी समॉलेस्ट नैशनल पार्क कीता है तो कीता है साउथ बटन ये बटन तो ही नाम आई याद आई जाता जी देखो बटन बटन छोटा जहा हों उमें याद रखा जा सकता साउथ छोटा एसते समॉलेस्ट एसते साउथ बटन याद रखना बहुत सौखा है कितने है अंडामैन एंड निकोबार आईलैंड्स से है जी कितने है जी अंडामैन एंड निकोबार आईलैंड्स से है ठीक है जी आपां की कीता है फर्स्ट नैशनल पार्क कहड़ा है हैले नैशनल पार्क है अज का नाम की है जिम कॉर्बेट केड़ी स्टेट है जी उत्तराखंड है फिर आप लार्जेस्ट नैशनल पार्क ऑफ इंडिया केड़ा हैमीज़ नैशनल पार्क यूटी लद्दाख फिर आप समॉलेस्ट नैशनल पार्क समॉलेस्ट नैशनल पार्क केड़ा जी साउथ बटन कितने यूटी दे विच कितने अंडामैन एंड निकोबार आईलैंड्स दे विच हुण आपां इह तां कुछ फैक्ट हो गए जिहड़े पेपर ज़्यादा पूछे जाते हैं हुण आपां गल करांगे एक एक स्टेट वाइज कि किहड़ी स्टेट दे विच किहड़ा नैशनल पार्क है उस तों पहला एक फैक्ट रह गया कि स्टेट विद मैक्सीमम स्टेट विद मैक्सीमम नैशनल पार्क कि सब तो ज़्यादा नैशनल पार्क केड़ी स्टेट दे विच ने याद रखना है जी एम पी दे विच मध्य प्रदेश किन्ने नैशनल पार्क ने जी 12 नैशनल पार्क ने किन्ने नैशनल पार्क ने 12 नैशनल पार्क ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारी लिस्ट आप याद करांगे तरीके नाल पर जिहड़ी आप अज वीडियो अज वीडियो कोशिश करांगे जी 5 तो 6 स्टेट्स के नैशनल पार्क याद करने की कोशिश करांगे 5 तो 6 सब तो पहला आप गल करते हैं पंजाब पंजाब दे विच किन्ने नैशनल पार्क ने जी 0 याद रखना जी अपने पंजाब दे विच कोई भी नहीं है दूसरा अपने नाल स्टेट कि लगती है हरियाणा आप याद करांगे हरियाणा दे किन्ने नैशनल पार्क ने याद रखने याद रखना जी 2 ने ठीक है किन्ने ने 2 ने किहड़े किहड़े ने एक ट्रिक नाल याद करांगे तुसीं सुल्तान मूवी देखी होनी सारे ने सलमान खान की मूवी अनुष्का शर्मा नाल सी सुल्तान मूवी कित्थों दी है जी सब नूं पता होगा पहलवानी ते सी पहलवानी दे विच मशहूर है जी हरियाणा ठीक है तो मूवी कित्थों दी सीगी हरियाणा दी सी पहला नैशनल पार्क सुल्तान तो याद रखना है सुल्तानपुर नैशनल पार्क मूवी तो याद रखना है जी आपां सुल्तानपुर नैशनल पार्क कित्थों दी स्टोरी सी हरियाणा दी स्टोरी सी पहला पॉइंट दूसरा नैशनल पार्क केड़ा है मूवी दी स्टोरी ते फोकस करिए जी मूवी दी स्टोरी ते फोकस की सीगा कि सारी मूवी दे विच सलमान खान अपनी घरवाली अनुष्का शर्मा नूं मनाउंदा रहिंदा है इहदा की मतलब है कि सारी मूवी कल्ला रहिंदा है जी उत्थों ट्रिक है याद सुल्तान मूवी हरियाणा दी सारी मूवी कल्ला रहिंदा कलासर नैशनल पार्क दूसरा नैशनल पार्क केड़ा जी कलासर नैशनल पार्क आपां की कीता है हरियाणा हरियाणा च किन्ने नैशनल पार्क ने जी 2 नैशनल पार्क ने ठीक है बिल्कुल सही गल दूसरा पॉइंट कीता है जिहड़ी सुल्तान मूवी है कित्थों दी स्टोरी सी हरियाणा दी स्टोरी सी फिल्म सब ने देखी होगी सारी फिल्म दे विच कल्ला रहिंदा जी सुल्तानपुर ते कलासर नैशनल पार्क कित्थों दे ने जी हरियाणा दे ने अगे आ जाओ आपां हरियाणा कर लिया उस तों बाद आपां याद करदे हां जी अपने लागे होर कि स्टेट है जिथे एक या 2 ने वैसे अपने लागे हिमाचल प्रदेश है पर उसे 5 ने आप ठहर के करा आप स्टेट्स कवर करा जिथे एक या 2 नैशनल पार्क ने अपने लागे जो आप जाइए तो हिमाचल तो अगे उत्तराखंड भी 6 ने आप बाद करा उस तो बाद बिहार नैशनल पार्क की गल कर रहे हैं जी कि नैशनल पार्क है इतने वाल्मीकि नैशनल पार्क है याद रखना सौखा जी वी ये तो याद रखना सौखा है बहुत वी तो वाल्मीकि जी कौन सी जिन्होंने रामायण लिखी सी रामायण कितने लिखी गई सी याद रखना जी पंजाब दे अमृतसर दे विच लिखी गई सी रामायण बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है उतो याद रखना वी तो वाल्मीकि जी ठीक है चौथा उस तो बाद देखो जी होर एक नैशनल पार्क इतने है होर नागालैंड दे एक नैशनल पार्क है जी नैशनल का नाम है इन टैंकिया नैशनल पार्क ਕਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਟੈਂਕੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਗ ਸੱਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਨੇਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗ ਇਨ ਟੈਂਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਨਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗ ਇਨ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਹੈ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇਨ ਟੈਂਕੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 0 ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 2 ਸੁਲਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ हरियाणा की कहानी सी कला रहा कला सर तीसरा आप किया वी बिहार वाल्मीकि ठीक है जी फिर आप किया नागालैंड कहते नाग कितने है जी नाग टैंक दे विच है इन टैंकिया नैशनल पार्क कि नैशनल पार्क है इन टैंकिया नैशनल पार्क
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਹੀਮਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸੱਪ ਆ ਜੇ, ਸਨੇਕ ਆ ਜੇ, ਲੋਕ ਕੋ ਕੋ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਹੀਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਫਾਲ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਨੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਨੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮਣੀਪੁਰ ਇੰਫਾਲ, ਮਣੀਪੁਰ ਇੰਫਾਲ। ਅਗਲਾ ਕੋਹੀਮਾ, ਨਾਗ ਨੂੰ ਕੋ ਕੋ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਹੀਮਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾਗ ਇਨ ਟੈਂਕ, ਇਨ ਟੈਂਕੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਰੋ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਤੀਸਰਾ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ? ਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਨ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨ ਟੈਂਕੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ। ਹੁਣੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਫਾਲ। ਮਨੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਨੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਫਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ। ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਲਮਜ਼ਾਓ, ਕੇਵਲ ਲਮਜ਼ਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਨੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ, ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਈ ਮਤਲਬੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਨੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਮਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸਕਦਾ ਕੇਵਲ ਲਮਜ਼ਾਓ। ਕੇਵਲ ਲਮਜ਼ਾਓ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੈ, ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਲਮਜ਼ਾਓ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਲਮਜ਼ਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੇਵਲ ਲਮਜ਼ਾਓ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਓਨਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਲੋਟਿੰਗ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ? ਕੇਵਲ ਲਮਜ਼ਾਓ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਲਮਜ਼ਾਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਤਲਾਅ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੈਰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੇਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ। ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੇਕ ਕਿਹੜਾ? ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਲੇਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕ ਦਾ? ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰ ਲਏ ਅੱਜ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਰੋ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦੋ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਲਾਸਰ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਇੰਟੈਂਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ? ਕੇਵਲ ਲਮਜ਼ਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ। ਕਿਹੜੇ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਟੇਟ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ 106 ਦੇ 106 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉੜੀਸਾ, ਉੜੀਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੜੀਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਪਰ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਉੜੀਸਾ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੀ, ਉੜੀਸਾ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਬੈਟਰ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਉੜੀਸਾ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਬੈਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉੜੀਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਪਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸਿੰਪਲੀ ਪਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ? ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ। ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ। ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨਿਕਾ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਨਿਕਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਸਿੰਪਲੀ ਪਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 5-6 ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 5-6 ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ
जे साडे नाल जुड़े रहोगे तो 106 नैशनल पार्क तुहानू याद करवा देंगे एक चंगे तरीके नाल। तो अज लई शुक्रिया जी, जांदे हो एक बार रिविजन फिर कर लैने आपां। पंजाब दी 0, हरियाणा च 2 नैशनल पार्क मूवी कीती है जी आपां, कि सुल्तानपुर ते कलासर। तीसरा कीता बिहार, फिर कीता आपां नागालैंड, तो फिर आप किया उड़ीसा के 2 सिंपलीपल तो बैटर। सब तो इंपोर्टेंट जो पेपर पूछे जाते मणिपुर जी, केवल लमजाओ, केवल एक ही लमकिया होया है। जाते जाते एक बोनस दे दें जी सोनू, एक बोनस नैशनल पार्क करते जाते जाते गोवा का नैशनल पार्क कि जी, एको ही नैशनल पार्क है मौलम नैशनल पार्क। याद रखने की ट्रिक, सब के मन जो गोवा आता है तो सब तो पहली स्टेट गोवा बारे अपने मन की ख्याल आता है, समुद्र का आता ना, बीच का ख्याल आता है। बीच से लोग जाते हैं सनबाथ करते हैं ना बह के, ठीक है जी, उत्थे वो की यूज़ करते हैं टैनिंग तो बचने लिए, ठीक है, ताकि गोरा रंग काला ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, तो बचने लिए एक क्रीम यूज़ करते हैं। क्रीम नूं पंजाबी च की कहने जी, आप मलम कहने की कहने मलम। तो गोवा का मलम तो मौलम याद रखना है जी, गोवा का मलम तो मौलम याद रखना है। या होर तरीका की है याद करन दा इहनूं, कि जिहड़े बंदे मस्त मलंग होंदे ने, मौला मलंग बंदे होंदे ने जी, ओह ही घूमते फिरते हैं, दुनिया देखते हैं, उही गोवा देखने जाते हैं, उमें भी याद रखा जा सकता है। एक किसी अपना बोनस स्टेट करवाई है जी, साढ़े नाल जुड़े रहो, तुहानू सारी स्टैटिक जी के असी ऑनलाइन करवाते रहेंगे, डेली एक अद्धी वीडियो अपलोड करती रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जिंदगी नाल लड़ते रहो, हसते रहो, बसते रहो, जरूर जित तुहाडे कदम चुमूगी।